जी डियर फ्रेंड, आज का मौसम कुछ बेहतर है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी होती है और गर्मी की वजह से यहाँ बाहर निकलना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बार ज़रा गर्मी कम ही पड़ रही है, वरना तो बड़ा प्रॉब्लम होती है गर्मी के अंदर यहाँ से बाहर निकलना, आना जाना। और आप देखें, शायद आपको मेरे बाल हिलते नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी आज अच्छा मौसम है बाहर का। अमूमन देखा जाए कि हमारे मुल्क में जो सितंबर का मौसम होता है, वैसे तो वहाँ पे 11वें महीने तक गर्मी रहती है, मतलब नवंबर के एंड में जाके थोड़ा मौसम बेहतर होता है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। करते हैं आज हम लोग आए हैं हार्डीज के अंदर। हार्डीज एक ब्रांड है दुबई में, जहाँ पे कुछ वैरायटियाँ बर्गर और फास्ट फूड टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो हर बर्गर हर जगह का तो अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है कि टेस्ट के ऊपर, ब्रांड के ऊपर। जैसे कि अच्छी फास्ट फूड है जिंगर बर्गर, उसकी बात ही अलग होती है, बहुत कम चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ प्राइस इनके, बहुत रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पे इनके। जैसे ये 5 दरहम और 12.50, और भी इनके ब्रांड्स हैं आपके सामने हैं। हाउ मच डिड इट कॉस्ट? 82। हाउ मेनी बर्गर? 4 डीड। जी फ्रेंड, ये कोल्ड ड्रिंक है और यहाँ के ये सिस्टम है हार्डीज का। अब ये तो बर्गर खा के मुझे लगा कि बर्गर कैसा है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ हर जगह की अच्छी नहीं होती। तो अब यहाँ पे देंगे, जैसे आपको पता है हमारे मुल्क की बात अलग ही होती है, वहाँ पे कुछ चीज़ें खाने पीने की इतनी अच्छी और स्पाइसी होती हैं। यूएई का जो सिस्टम है यहाँ पे, बस नमक वाला खाने लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे पसंद नहीं किया जाता। और हम लोग आपको तो ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले लोग हैं, स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं। तो अब मंगवाई हमने डील, अब देखते हैं उसमें कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या टेस्ट है उसका। बहुत कम जगह होती है वहाँ की चीज़ें टेस्टी होती हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन हम यहाँ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है और ये पीछे सैनिटाइज किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो बस यहाँ पे कि अपनी गाड़ी में जाके बैठ के खाते हैं, रिस्क लेना ज़रूरी नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो यहाँ पे ज़रा बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको लोग कम भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, वहाँ बैठते हैं, वहाँ देखें वो जगह ज़्यादा सेफ़ है। चिकन बर्गर, बीफ बर्गर और भी तरह की वैरायटी हैं, लेकिन हर बर्गर हर जगह का अच्छा नहीं होता। अब डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी के ऊपर, उनके मटेरियल के ऊपर, इंग्रेडिएंट्स कैसे डाले हुए हैं, कैसे नहीं डाले हुए। अब वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के बर्गर हैं और कैसा टेस्ट है और क्या क्या उसके साथ है। बाकी अंदर का माहौल तो मैंने आपको दिखा दिया है। ज़्यादातर हम लोग जब भी बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो बाहर कम ही बैठते हैं, मतलब कि
होटलिंग वगैरह पे कोरोना वायरस की वजह से बहुत कम बैठते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ केस यूएई में बढ़ते जा रहे हैं, और केस बढ़ना फिर ठीक भी नहीं है और ये डेंजर बात है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ का ख्याल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यही सेफ्टी है, अपनी जगह पे बैठते हैं गाड़ी में, उसके बाद ही पता चलेगा और आपको दिखाएंगे कि क्या डील थी और कैसी कैसी चीज़ें हैं। जी डियर फ्रेंड्स, ये हमारे बर्गर आ गए, बर्गर हैं और साथ साथ देखें फ्रेंच फ्राइज बने हुए, फ्रेंच फ्राइज बहुत स्पाइसी हैं ये, बल्कि स्पाइसी हमने रखवाए हैं क्योंकि यहाँ पे मिर्च का जो है नामो निशान नहीं होता। अब ये खा के आपको दिखाया जाएगा ये कैसे हैं, कैसा टेस्ट है इनका। ये हमने एक्स्ट्रा स्पाइसी रखवाए थे क्योंकि ये अमूमन चीज़ें स्पाइसी होती नहीं हैं। ज़्यादा ज़ोर यहाँ पे इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पे रखा होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशन। अच्छा देखेंगे, एक और पीस आ गया, किस चीज़ का है भाई ये? चिकन है, चिकन पीस है इसके साथ। अब ये मैं खाने के बाद ही आपको बताऊंगा। अच्छा ये एक और आ गया, और मतलब ये हमने डील मंगवाई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें ये उन्होंने साथ दी हैं। तो अब यहाँ पे खाने के बाद ही मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि इस टाइम एक वक्त में एक ही काम किया जा सकता है। हाँ जी भाई, आप लोग का बर्गर के बारे में क्या ख्याल था, कैसा लगा आप लोग को? ठीक था। ठीक है डियर फ्रेंड, तारीफ़ी तो मैंने आपके सामने बहुत की थी, लेकिन और हम लोगों ने ख़ास स्पाइसी रखवाया था, और उन्होंने स्पाइसी रखने के भी हमसे ऊपर थोड़े से पैसे चार्ज किए थे। इतना स्पाइसी होने के बाद भी फीका था, अब आप अंदाज़ा लगा लें। असल में यहाँ पे अमूमन होता ही ऐसा है, इंटरनेशनल ब्रांड है तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस है, यहाँ पे फिर अलग किस्म के लोग आते हैं तो उनके हिसाब से फिर यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे लोग बनाते हैं, सबका टेस्ट देख के बनाते हैं। और आपको पता है कि हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले लोग हैं, ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो हमें यहाँ की जो स्पाइसी चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा मासिक नहीं आती ना पसंद आती हैं। तो ये आज का हमारा टूर, और हार्टीज बर्गर तो खैर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, लेकिन अपने जो बर्गर है वहाँ पे मूल के बर्गर की जो बात है, आहा क्या बोले, उनकी तो कोई मिसाल नहीं है, बहुत टेस्टी बहुत चीज़। क्योंकि जब यहाँ पे कोई चीज़ खाओ तो हमेशा अपने मूल की याद आती है, और वहाँ के खाने वहाँ की चीज़ें वो सब याद आता है।